अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। कोरोना को रोकना तो जरूरी है और हमने जैसे देखा है लॉकडाउन खुलने के बाद केसेस में बढ़ोतरी हुई थी, तो इसलिए पूरे MMR में थाना डिस्ट्रिक्ट के बाकी कॉरपोरेशन में भी लॉकडाउन किया था। और इसको अगर ये इसकी जो कड़ी है, इसकी जो चेन है, ये तोड़ने के लिए ये जरूरी था, इसलिए ये लॉकडाउन हमने डिक्लेयर किया था। और इसमें देखो आज 152 केस आए हुए, 150 के करीब केस आए, जो 200-250 आते थे, तो मुझे लगता है लॉकडाउन का इम्पैक्ट, और कल भी 200 के अंदर केस आए हुए, तो इसके परिणाम हमको मिलेंगे ऐसी हमको अपेक्षा लगती है। और लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें लोग हमें सहयोग दो इस लॉकडाउन सक्सेस करने के इसमें, और ये संक्रमण रोकने के लिए ये सहयोग करें। हमने जो हाउस टू हाउस सर्वे या मास स्क्रीनिंग, हाउस टू हाउस सर्वे जो शुरू किया है वो भी अभी जारी है, और हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ाया है, रिपोर्टिंग जो है अभी नेक्स्ट डे को, एक दिन में रिपोर्ट हमें मिल रही है। अभी पेंडिंग स्वैब आज की डेट में अगर देखा जाए तो 300 तक सिर्फ पेंडिंग है, जैसे दो हर दिन 800 स्वैब कम से कम लैब में जाते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके, तो वो हिसाब से अभी जो रिपोर्टिंग है वो भी जल्दी एक दिन के अंदर हमें ये रिपोर्ट मिल रहे हैं। तो ये तरीके से, और सिडको एग्जीबिशन सेंटर में हमने अभी पूरा ऑक्सीजन पाइपलाइन किया हुआ है कि पाइप्ड ऑक्सीजन गैस मिले वहाँ, और लोगों को और अच्छी सुविधा हम कैसे दे सकते हैं, ऐसा हमारा प्रयास है। अभी लैब जो है उसके ऑर्डर्स दिए गए हैं, लैब सेटअप करने के लिए उसका काम भी शुरू हुआ है, और मुझे लगता है 7-8 दिन में ये लैब में हम टेस्टिंग कर पाएंगे। लेकिन हालांकि आज हमने प्राइवेट लैब के साथ टाइप करके, जैसे मैंने बताया कि इस पेंडिंग रिपोर्ट्स नहीं रहते, एक दिन में हमें रिपोर्ट वहाँ मिल रहा है। और दूसरी बात, जो ICU हम शुरू करना चाहते हैं, तो सिडको एग्जीबिशन सेंटर में ICU का काम चल रहा है, वहाँ 30 बेड का ICU शुरू होगा, फिर MGM में 75 बेड का होगा, और DY पाटिल में हमने ऑलरेडी 50 बेड का ICU शुरू करने के लिए उनको आदेश दिए हुए हैं। तो ऐसे ये तरीके से ICU फैसिलिटी हम पर्याप्त संख्या में हम शुरू कर रहे हैं। अभी ऑक्सीजन बेड अभी फंक्शनल अगर देखा जाए तो 1200 के करीब ऑक्सीजन बेड है, ICU बेड भी 115 ICU बेड है, वेंटिलेटर्स हमारे पास अभी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के अपने एरिया में 75 वेंटिलेटर्स है, तो ऐसी कोई ये नहीं। फिर हमने एंटीजन टेस्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया हुआ है किट्स खरीदने का। दूसरा जो भी मेडिसिन्स, रेमडेसिविर मेडिसिन है या दूसरे दो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, तीनों मेडिसिन वो भी परचेस करने का ऑर्डर हमने प्लेस किया है, जैसे स्टॉक उपलब्ध होता है हम उसको ये इस्तेमाल करेंगे। तो हमने पहले डिसाइड किया था कि ये मेडिसिन हमें परचेस करना है, आज पर्याप्त मात्रा में वो मार्केट में स्टॉक उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया है, जैसे 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 स्टॉक उपलब्ध होगा हम उसको उठाएंगे। नहीं, इसमें यह है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने बढ़ाया है, अभी एक पॉजिटिव केस के पीछे हम 20 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने लिखे गए उसको, और आइसोलेशन ये लोगों का हमने शुरू किया है बड़े पैमाने पे। और इन जनरल इम्यूनिटी के लिए जैसे आयुष मंत्रालय ने जो भी रिकमेंडेशंस किए हुए हैं वो हिसाब से लोगों ने उसका भी इस्तेमाल करना जरूरी है, जो कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो इसका प्रसारण भी कम हो सकता है। तो और हम बड़े पैमाने पे आई से एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें होर्डिंग्स भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अभी लॉकडाउन के दरमियान जो लाउड स्पीकर पे भी हम ये गली गली में इसको जो है लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि लोग भी इसमें सहयोग हमें दे रहे हैं। सर, आखिरी दो सवाल, हमने 8-10 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, हम रेड जोन में हैं, और जैसे ही ऐसे सिचुएशन आती है कि हम स्कूल खोल सकते हैं तो हम वैसे डिसीजन लेंगे। नहीं, अभी देखो मानसून पूर्व तैयारी हमने ऑलरेडी की हुई है, और अगर
कल जो है 100 mm से ज़्यादा बारिश हमारे एरिया में हुई थी, लेकिन कहीं ऐसा फ्लड टाइप का सिचुएशन नहीं आया है ना। तो इसका मतलब यह है कि जो भी नाला सफाई है या ये बाकी काम है वो ठीक ठाक से किए हुए, और जहाँ अगर दिक्कत आती है तो वो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सर पानी में क्या मैसेज देना चाहेंगे मेंबरों को कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद के हिसाब से, सहभागिता के हिसाब से, और आपकी अपनी तरह? यही है कि अभी देखो कि ये संक्रमण जो बढ़ता है वो कांटेक्ट से बढ़ता है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन के दरमियान तो लॉकडाउन के जो भी नियम है उसका पालन करें, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग है, फिर मास्क इस्तेमाल करना जरूरी है जहाँ भी हम बाहर जाते हैं किसी चीज़ के लिए, और जो भी है अपने नाक या मुँह को हाथ न लगाए या आँख को हाथ न लगाए, ये भी सावधानी जो बरतनी चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे ये कंट्रोल होगा। सर एक सवाल पूछ लिया था मैं आपसे, हर जगह पे जो है ना कि अलग अलग तरीके से ये किया जाता है कि पनवेल में किया तो हम करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने यहाँ के जो भी सिचुएशन है, यहाँ के जो भी इश्यूज़ है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते, वो उसके बारे में सोच के वो निर्णय लिया जाता है।